वेरी गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम टू ऑल रिपोर्ट कैसे हैं आप सब धर्म को धर्मपाल गुलाटी सर मसाला किंग ऑफ इंडिया एमडीएच के ओनर पासड अवे रिसेंटली सो ओम शांति रिप्ड टू हिम भगवान उनकी आत्मा को शांति दे दूसरा न्यूज़ ऑलरेडी जो मैं डिस्कस कर चुका था उनके बारे में रिपीट करवा देता हूँ। राजीव चौधरी जी राजीव चौधरी लेफ्टनेंट जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ बी आर ओ बीवार है तो न्यू डेली में बी आर ओ का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है और बी आर ओ का बेसिकली वर्क जो होता है वो है पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर पर जो है रोड कंस्ट्रक्शन करना और उनका मेंस करना दिस इज द वर्क ऑफ बी आर ओ बी आर ओ इजरी ऑफ इंडियन आर्मी ये ध्यान रखने वाली बात है कंस्ट्रक्शन कंपनी है बट इंडियन आर्मी का सब्सिडरी है चलिए आगे चलते हैं न्यूज में और भी काफी कुछ है खास देखेंगे क्या समझेंगे आज तो पहले स्टार्ट करते हैं कि इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस विदाउट एम्बिशन इज अ वर्ड विदाउट विंग्स करेक्ट है भाई बहुत सारे एम्बिशन होना बिकम दिस आई विल डू दिस आफ्टर मूव टू दैट प्लेस

एक्सप्रेस बैच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफ़ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है सर आपका एक्सप्रेस बैच ऑफ़ दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा बैचेस so, जीए के क्लासेज आपको सक्सेस में भी मिलने जीए के क्लासेज आपको एक्सप्रेस में भी मिलने हैं ठीक है

उठा दो पता नहीं अभी ये सोने का कौन सा टाइम है Countdown चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी अपना प्री एग्जामिनेशन जो है उसका डेट है सामने सो दिस इज़ बता रहा था आपको इट्स फ्राइडे टेन ए एम वीकली एम सी क्यूज वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम सेवन ट्वेंटी ऑफ नवंबर टू फोर्थ ऑफ दिसंबर डिस्क 50 MCQs, 50 MCQs करने वाले हैं। आज कंप्लीट वीक के इंपॉर्टेंट फिफ्टी एमसी क्यूज वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडेन लॉक द टाइमिंग आज के सेशन में थर्टीन एमसी क्यूज है रिविजन के लिए फाइव स्ट्रेटिजी के बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज अपॉइंटमेंट स्टेट इन न्यूज नेशनल न्यूज इंटरनेशनल न्यूज साइंस एंड टेक जीडीपी लिस्ट बना रहेगा विद द अपडेशन जब तक पूरा अपडेशन कंप्लीट ना हो जाए सो अगेन वी विल हैविंग जीडीपी लिस्ट विद द अपडेटेड पार्ट आगे बढ़ते हैं सर देखते हैं क्वेश्चन पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड जेसीबी इंटरनेशनल हैस डेबिट कार्ड बहुत ईजी है आई होप ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू आंसर इट यस

ट किया था किसके साथ मर्सिडीज के साथ मर्सिडीज के साथ टू प्रोवाइड द लोन टू दायर इनकम एंड टू इंक्रीज दर्स इंडिया मीट देखो लैब में बनाया गया जो मीट है उसको सेल करने के लिए किस कंट्री ने अप्रूवल दे दिया है अप्रूवल विच कंट्री हैज प्रोवाइडेड द अप्रूवल फॉर द सेल ऑफ लैब क्रिएटेड मीट करेक्ट आंसर सिंगापुर ज्यादा कुछ इसमें है नहीं समझने का सिंगापुर सिंपल आंसर है कर देंगे सिंगापुर आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द अच्छा फेशियल एक्सप्रेशन वाला एक पॉइंट याद आया मुझको फेशियल एक्सप्रेशन को नेशनल आइडेंटिटी कार्ड समथिंग एक न्यूज था याद है क्या कुछ हाँ फेशियल एक्सप्रेशन को आइडेंटिटी कार्ड के फॉर्म में हाँ वो भी सिंगापुर था तो उसको भी याद रखना आप चलो नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट कंट्री कोऑपरेशन हैज सी डी म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसेसर टू थाउजेंड नाइनटीन अवॉर्ड फॉर द हाइएस्ट एग्रीमेंट रेशियो इन द ट्रांसफरिंग ऑफ प्राइजेस केसेस सिंपल कर दू इसको मैं आपको जो टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती इन बिटवीन द कंट्रीज रिलेटेड टू देयर रिलेटेड टू देयर कंपनीज मींस फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड चाइना सो चाइनीज कंपनीज आर वर्किंग इन इंडिया इंडियन कंपनीज आर वर्किंग इन चाइना उनके जो टैक्स रिलेटेड मतलब अगर आपने एग्रीमेंट साइन कर रखा है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अगर आपने साइन कर रखा है दैट वी वी विल विल नॉट नॉट चार्ज टैक्स ट्वाइस तो उसमें कंपनीज को बेनिफिट मिलता है

च अरब गल्फ कंट्री फर्स्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट बींग डेवलप पहला अरब कंट्री जिसने अपना कोल बेस्ड पावर प्लांट डेवलप कर दिया है क्विकली आंसर क्विक यू अच्छा तो इस करेक्ट आंसर इज या करेक्ट गलत किया क्या मैंने यू होगा कलर चेंज गलत कर दिया यू ए करेक्ट है हा हंड्रेड परसेंट यू ए सो यस सिटी इज ऑल्सो दुबई इन विच सिटी दुबई में इसको दुबई सिटी दुबई सो फर्स्ट फर्स्ट

एंड खलीफा बिन जयाद अल ने इज द प्रेसिडेंट ऑफ यू सारे, के सारे point correct है। आगे बढ़ रहे बहुत मैंने डिटेल में कल आप लोगों के सर डिस्कस किया है रिमेम्बर बहुत डिटेल में डिस्कस किया है वॉट इज मुंसिपल कारपोरेशन बॉन्ड वॉट इज मुनी बॉन्ड मुनी बॉन्ड वॉट आर कैटेगरीज ऑफ मुनी बॉन्ड हाउ दे वर्क एवरी ने मिस किया है कल का टी देख लेना था विद्रीन शू ऑप्शन विद ग्रीन शू ऑप्शन ऑफ अनादर हंड्रेड करोड़ एवरी वन नोज इज ग्रीन शू ऑप्शन हर किसी को पता है

तो क्लियर मैं फिर से बोल देता हूं कल का टीएनए देख लेना वॉज द टीएनए ऑफ यस्टरडे आई इन डिटेल एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव साइंड 132 मिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर टू इंप्रूवमेंट पावर सेक्टर इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट किस स्टेट के लिए जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ है करेक्ट आंसर है आपके पास मेघालय एडी बी इतने लोन प्रोवाइड कर रहा है ना अभी रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करोगे लास्ट फोर फाइव मंथ एडीबी टू थ्री डेज प्रोवाइडिंग लोन टू एनी एनी नेशन नॉट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया देन मल्टीपल स्टेट हैव गॉट द लोन इन लास्ट फ्यू मंथ्स फ्रॉम एडी बी बहुत बड़ा लिस्ट हो रहा है बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो टू रिमेम्बर क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा तो मेघालय को अभी लोन प्रोवाइड किया है पावर क्वालिटी सप्लाई टू द हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज बिजनेस इन द मेघालय अभी एक और न्यूज आएगा देखो इसको न्यूज इज रिलेटेड टू एडीबी थ्री हंड्रेड मिलियन डॉलर जो है वो प्रोवाइड किया राजस्थान को वॉटर सप्लाई सैनिटेशन के लिए टू सेवेंटी मिलियन डॉलर मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश वाटर सीवेज मैनेजमेंट 50 मिलियन डॉलर वेस्ट बंगाल 50 मिलियन डॉलर वेस्ट बंगाल टू इंप्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी रिसोर्स प्लानिंग 132.8 मिलियन डॉलर मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट ठीक है अभी ये वापस से न्यूज में आया है कि एडीबी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 मिलियन डॉलर का लोन एग्रीमेंट फॉर द इंप्रूवमेंट इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेक्टर इन वेस्ट बंगाल, विद द हेल्प ऑफ वेस्ट बंगाल ये टाइटल आपको याद करवाना था टाइटलंग्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम नाउ अनादर क्वेश्चन वेस्ट बंगाल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम हैज बीन सेटअप विथ द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन ऑप्शन पूछ लेगा वेस्ट बेंगाल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आंसर विल बी एडीबी रिमेंबर द लोन अमाउंट विल बी फिफ्टी मिलियन डॉलर पॉइंट क्लियर है सारे लोगों को चलो आगे बढ़े नेक्स्ट अगला न्यूज देखें सर विच सिटी इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स यूनाइटेड स्टेट एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन सा सिटी है जो कि सबसे पॉल्यूटेड सिटी है या वर्ल्ड का लाहौर वेरी गुड सो करेक्ट आंसर इज लाहौर डेली न्यू डेली इज ऑल्सो इन अ गुड कॉम्पिटिशन सो डेली इज ऑन सेकेंड पोजिशन एंड काठमांडू इज ऑन थर्ड पोजिशन काठमांडू थर्ड पोजिशन पर वॉट इज द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम जी एस टी इन नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी व जीएसटी कलेक्शन ऑफ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी मैंने बोला है आप लोगों को दैट लास्ट थ्री मंथ जीएसटी कलेक्शन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो पिछले तीन महीने का जो जीएसटी कलेक्शन होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा उसको याद रखियेगा बिकॉज डेफिनेटली वन क्वेश्चन कैन बी रेज इन द एग्जामिनेशन कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ है बताइएगा चलिए मैं आंसर पे मूव कर रहा हूं. करेक्ट आंसर इज वन पॉइंट जीरो रुपए करोड़ कलेक्शन इन मंथ ऑफ़ नवंबर नवंबर का अक्टूबर जीएसटी कलेक्शन करोड़ मतलब ये वाला लास्ट ईयर नवंबर मंथ जीएसटी वॉज वन पॉइंट फोर परसेंट लेसर देन कंपेयर टू जीएसटी ऑफ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी या फिर पलटा कहूं तो नवंबर 2020 का जीएसटी 1.4 परसेंट ज्यादा था कंपेयर टू नवंबर 2019 अभी हम याद कौन से कौन से करने वाले हैं सर सो नवंबर विल 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 लर्न 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 अक्टूबर एंड आल्सो सो सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर दीस थ्री मंथ्स वी विल लर्न तो ये तीन महीने का आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा दिसंबर भी याद करेंगे वंस विल गेट द डेट ऑफ फॉर दिसंबर इन द एग्जाम विल बी इन द मंथ ऑफ जनवरी राइट चलो आगे बढ़ रहे हैं

टू दंग और टू द टैलेंटेड पीपल दो इन द मार्केट तो उन लोगों को जिनके पास एक्सेप्शनल टैलेंट है तो उन लोगों को यहां पर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है अगला क्वेश्चन देख रहे हैं ओ सी डी हैज प्रोजेक्टेड इंडिया जी डी पी रेट इन द फाइनेंशियल ईयर एट 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 वॉट परसेंट सो ओ सी डी ने भारत का जो जीडीपी दर है करेंट फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंट 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना परसेंट बताया हुआ है करेक्ट आंसर ओसीडी का नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट आपका वर्ल्ड बैंक का एडीबी ने बोला है नाइन परसेंट एडीबी सेट नाइन परसेंट मूडी ऑल्सो प्रोजेक्टेड रिसेंटली मोदी ने अभी रिसेंटली 14 नवंबर को कहा 8.9 ठीक है तो ये आपके रिसेंट वाले और यहां पर आ जाए रिस परसेंट गोल्डमैन माइनस टेन पॉइंट थ्री परसेंट आफ्टर दैट इलेवन पॉइंट एट परसेंट इंडिया रेटिंग रिसर्च इकोनॉमी सर्वे आफ्टर दैट माइनस नाइन परसेंट एस एंड पी थर्टीएथ नवंबर को इन्होंने प्रोजेक्ट किया एंड यूसी बी वेरी रिसेंट वन माइनस टेन पॉइंट फाइव परसेंट तो ये सारे के सारे आपके रिसेंट प्रोजेक्शन हो गए सर नेक्स्ट वन आ जाते हैं न्यूज पर एक एक करके समझते न्यूज न्यूज नंबर वन क्यू एस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉर द कॉन्टिनेंट बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो एशिया के बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उनका रैंकिंग इशू किया है अभी रिसेंटली क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अकॉर्डिंग टू दिस वन टॉप टेन लिस्ट इन टॉप टेन लिस्ट देर इज नॉट अ सिंगल इंडियन यूनिवर्सिटी हमारे देश की कोई भी यूनिवर्सिटी पहले दस यूनिवर्सिटीज में नहीं है सर ये पहला पॉइंट टॉप थ्री इंडियन यूनिवर्सिटी फीचर्ड that is iit bombay ranked 47 iit delhi ranked 50 and iit madras ranked 56 there are total 107 indian institutions made their chance or list in qs asia ranking out of them 7 सेवन यूनिवर्सिटीज केम अंडर हंड्रेड टॉप हंड्रेड में सात यूनिवर्सिटीज आई हैं कहां से इंडिया से अभी कुछ दिन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे के सारे होते हैं आफ्टर दैट अबाउट दैट हाउ मनी इंडियन यूनिवर्सिटीज देर इन टॉप हंड्रेड तो आंसर हो जाएगा सेवन यूनिवर्सिटीज जो थी वो टॉप हंड्रेड में आई नहीं है आई बॉम्बे है आई आई और आई मद्रास है अब देखो टॉप यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट रैंक पर कौन सा है फर्स्ट और सेकेंड याद कर लेंगे दैट इज दैट इज

बहुत बहुत बुरे हाल हैं टेररिज्म के कारण आतंकवाद के कारण तो इसमें लोअर सिचुएशन पर होना बेटर है मतलब जो कंट्री आपका सबसे नीचे जा रहा है वो ज्यादा अच्छी सिचुएशन पर सेफ है वो इंडिया हैज बीन रैंक एट ग्लोबली मोस्ट इफेक्टेड कंट्री इन 2019 बाय द टेररिज्म तो एट पोजीशन पर आया है आपका इंडिया अफगानिस्तान इज ऑन टॉप वर्स्ट इफेक्टेड

फॉलोड बाय इराक याद रखिएगा चलिए और इंडिया का पोजीशन आ रहा है यहां पर एट्थ पोजीशन ठीक है क्लियर है सारा कुछ आगे बढ़ जाऊं आगे बढ़ जाऊं चलिए मैं मूव करता हूं नेक्स्ट पाकिस्तान इज जस्ट ऑन सेवंथ पोजीशन हमारे आसपास ही होता है हम एट्थ है ना पाकिस्तान सेवंथ पोजीशन पर है चलो नेक्स्ट न्यूजीलैंड पीएम न्यूजीलैंड पीएम जेसिंगा एडरन डिक्लेयर्ड क्लाइमेट इमरजेंसी टेलिंग टू द पार्लियामेंट अर्जेंट एक्शन नीडेड फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर जनरेशन देखो यार कहां जा रही है कंट्रीज दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द क्लाइमेट इमरजेंसी एंड दे स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड द सेव ऑफ क्लाइमेट और इंडिया में हम मतलब कंपेयर नहीं कर रहा हूं बट प्रैक्टिकली अगर सोच के देखोगे तो इन इंडिया

ब्रिटेन बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन दर्ल्ड टू डिक्लेयर द्लाइमेट इमरजेंसी न्यूजीलैंड ने अभी तरीके से डेवलप कर लेंगे बाय द इंड थर्टी फाइव रिपीट अगेन न्यूजीलैंड सेट द टारगेट टू जनरेट होल एनर्जी ऑफ द कंट्री विद्पऑफ बाय दर टू 2035 and they will become कार्बन न्यूट्रल सीओ टू न्यूट्रल बाय द ईयर थाउजेंड ये न्यूजीलैंड ने अपने टारगेट्स रखे हुए यहां तक का पॉइंट क्लियर है अब आगे बढ़ रहा हूं कुछ रिवाइज करवा दू आपको न्यूजीलैंड रिलेटेड इफ यू रिमेंबर सो जस्ट रिवाइज इट वंस पी एम जैसे चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड कैबिनेट एंड शी डाइवर्सिफाई दैबिनेट ग्रैंड रॉबर्टसन नेम्ड डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट ओपन गे पर्सन टू होल्ड दिस पोजिशन फाइनेंस मिनिस्टर का भी पोर्टफोलियो है ग्रेंड रॉबर्टसन के पास और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी है फर्स्ट ओपन गे पर्सन है ये न्यूजीलैंड से या टू होल्ड दिस पोजिशन एक्चुअली टू होल्ड दिस पोजिशन वुमेन एंड माउरी कम्युनिटी फॉरन मिनिस्टर नैना मोथा इज फ्रॉम द माउरी कम्युनिटी एंड uh, ये है यहाँ पर इनका भी पिक रखा हुआ है तो ये डाइवर्सिफिकेशन शो करता था न्यूजीलैंड का आफ्टर द डू नॉट मिस द नेम ऑफ प्रियंका राधा कृष्णन फ्रॉम केरला द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन टू होल्ड द पोजिशन टू होल्ड द पोजिशन ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर इन न्यूजीलैंड इनको काफी सारी मिनिस्ट्रीज दी गई हैं इंक्लूडिंग कल्चर मिनिस्ट्री यूथ मिनिस्ट्री एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री सोशल डेवलपमेंट एक्सेट्रा वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड करेंसी इज डॉलर रिवाइज हो गया आई थिंक सारे लोगों को रिवाइज हो गया होगा ठीक है यार जाग रहे हो कोई सो तो नहीं रहा है बताओ जल्दी से जाग रहे हो किसी को नींद तो नहीं आ रही चाय पानी है सबके पास ठीक है हाँ तो चैट बॉक्स में थोड़ा सा हाँ बने रहा करो चैट बॉक्स में थोड़ा अपना मूवमेंट शो करते रहा करो तो क्योंकि मैं जा... सोने तो नहीं देता हूँ यार इतना बोरिंग तो नहीं है सेशन करेक्ट है चलो बढ़िया है ओनली पानी है चाय नहीं है ठीक है कोई बात नहीं बेटा रजत अभी पानी पी लो फिर सेशन खत्म करके चाय पी लेना हाँ नींद नहीं आ रही वेरी गुड देखो नींद आएगी भी तो याद रखना साइक्लोन आ रहा है साइक्लोन अभी निवार पूरी तरीके से गया भी नहीं था साइक्लोन आफ्टर साइक्लोन निवार नाउ बुरेवी इज कमिंग So, नया साइक्लोन बुरेवी इन द ओवर ओवर इन तमिलनाडु रीजन एंड द नीम वॉज सजेस्टेड बाय मालदीव मालदीव ने इसका नेम सजेस्ट किया, किया था बुरेवी का कुछ दिनों पहले वी हर्ड अबाउट निवार बट नाउ वट इज द गुड पार्ट इज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी मच वेल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस थिंग्स कि एनडीआरएफ जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स उनको ऑलरेडी सेट uh, कर दिया जाता है एंड द द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज उनको ऑलरेडी खाली करवाकर कर, उन सब चीजों को इसलिए जो आप देखोगे इन चीजों से आजकल जो डेथ रेट है दैट इज ऑलमोस्ट बिकॉज ऑफ प्रो एक्टिव स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो वी शुड रियली अप्रिशिएट गवर्नमेंट फॉर गी स्टेप्स चलिए आगे बढ़े तो हमको क्या करना है सर नाम ही याद रखना है इसके अलावा कुछ नहीं करना है साइक्लोन निवार है तमिलनाडु साउथ तमिलनाडु एंड साउथ आंध्रा प्रदेश में इन्होंने तबाही मचाई थी फ्यू डेज बिफोर एंड uh, इंडिया के और बात करें so, नि, नि, निसारगा आया था महाराष्ट्र गुजरात में अम्फन वेस्ट बंगाल उड़ीसा महा इट वाज इन अरेबियन सी लक्षदीप बुलबुल बांग्लादेश -बुल, वेस्ट बंगाल इसने भी काफी ज्यादा क्यार साउथ गुजरात सौराष्ट्र so, नि, नि, सो अम्फन महा क्यार निवार एंड आफ्टर दैट बुरेवी ऑल सिक्स इम इन इंडिया ओनली 2020 थाउजेंड के ही सारे के सारे तो ये सारे आपके लिस्ट हो गए साइक्लोस विच हिट टू इंडिया इन दर टू थाउजेंड ट्वेंटी लिस्ट याद रख लेना बाकी तो फिर पीडीएफ से डाउनलोड कर ही लोगे आप लोग आगे बढ़े नेशनल न्यूज पर यूनियन मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल ग्रेस। श्री धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली मीनस इंडियन मेड डेवलप्ड हंड्रेड ऑफ टेन प्रीमियम पेट्रोल मीन वेरी फाइन रिफाइन पेट्रोल बहुत अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल वेयर द ग्रेड ऑफ द ब्रांड ग्रेड इज एक्सपी हंड्रेड इसको एक्सपी हंड्रेड के नाम से सेल किया जाएगा विद द ब्रांड विद्रक्सपी हंड्रेड इंडियन ऑयल का प्रोडक्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रोडक्ट मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में इसको तैयार किया गया श्रीकांत महादेव वैद्य इज द आई चेयरपर्सन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन है तो बहुत ही रिफाइंड ये आपका पेट्रोल होगा इट विल बी अवेलेबल इन टेन सिटीज इनिशियली दिल्ली गुड़गांव नोएडा आगरा जयपुर चंडीगढ़ लुधियाना मुंबई पुणे अहमदाबाद मेरे तो सिटीज आई नहीं है ना तो भोपाल है ना बेंगलुरु है मीन आई एम नॉट एबल टू एंजॉय दिस पेट्रोल फॉर डेज मतलब मैं नहीं मेरी मेरी गाड़ी माई माई व्हीकल चलो कोई बात नहीं कुछ दिन में आ जाएगा टेन सिटीज में इनिशियली इसको रखा गया आफ्टर दैट इट विल बी इंप्लीमेंटेड और इट विल बी प्रोवाइडेड टू रेस्ट ऑफ द नेशन आल्सो इंडिया बिकेम कंट्री इंक्लूडिंग यूएसए जर्मनी ग्रीस इंडोनेशिया मलेशिया इजराइल विद दिस क्वालिटी ऑफ फ्यूल एस डेट इट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल तो जो एफिशियंसी है इंजन की दैट विल इंक्रीज और एवरेज वगैरह भी इंक्रीज हो जाएगा चलो बढ़िया है चंडीगढ़ वाला कौन है रजत है ठीक है रजत भाई एजुकेशन मिनिस्टर सेटअप एजुकेशन मिनिस्ट्री सेटअप अ टास्क फोर्स फॉर प्रिपेरिंग रोड मैप इन इम्पॉर्टिंग द टेक्निकल एजुकेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हायर एजुकेशन सेक्रेटरी मिस्टर अमित खरे अमित खरे जी के चेयरमैनशिप में कमेटी बनाया है ध्यान से सुनिएगा कमेटी क्यों बनाया है टू प्रोवाइड द टेक्निकल एजुकेशन इन द मदर टर्म एक सिंगल लाइन में बोल दू दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू प्रोवाइड द टेक्निकल एजुकेशन इन द मदर टंग मदर टंग में मातृभाषा में अगर प्रोवाइड करना है तो उसका रोडमैप तैयार करने के लिए कमेटी बनाई जा रही है हाई लेवल कमेटी कमेटी के चेयरपर्सन है सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन मिस्टर अमित जी और जो हाई लेवल मीटिंग था उसको चेयर किया था रमेश पोखरियाल निशांक एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई आई टीज टू ऑफर द कोर्स मदर टंग फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 से स्टार्ट कर देंगे तो आपको कमेटीज वाले फॉर्म में ऐड कर लेना है अमित खरे जी के चेयरमैनशिप में ठीक है झारखंड पुलिस प्रिपेयर हैंडबुक टाइटल्ड साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस हैंडबुक टू तो एजुकेट पीपल अबाउट द साइबर क्राइम्स अच्छा वो वो जमतारा जो आया था एक शो आया था अगर आपको याद होगा आई थिंक एमेजोन पे आया था काफी लोगों ने देखा होगा उसमें बहुत डिटेल में साइबर क्राइम के बारे में बताया गया था दैट हाउ द पीपल आर ब्लफिंग टू द इनोसेंट पीपल एंड टेकिंग देर ऑल ऑफ देर तो वो अगर या, हाँ याद है जमतारा देखा था वो शायद झारखंड का ही है ना जमतारा मतलब एग्जैक्टली exactly याद नहीं है मुझको चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन यूपी नहीं है बेटा अभी पहला जो स्टेशन है वो आपका पुणे में स्टार्ट हुआ है नेटफ्लिक्स हाँ, पे था अच्छा अच्छा मैंने भी देखा तो था वो आई थिंक हाँ देखा था मैंने तो उसी से रिलेटेड है मतलब वही साइबर क्राइम्स जो थे सारे के सारे उससे रिलेटेड एक बुक तैयार करी है झारखंड पुलिस ने थर्टी सिक्स पेजेस का हैंडबुक है फ्रॉम द वेरियस इंसिडेंट्स तो अब वेरियस इंसिडेंट्स में वही सोच रहा था कि इंसिडेंट्स तो अब लोगों ने जमतारा में देख ही लिए होंगे कि, कि किस किस तरीके से किस किस तरीके से होता है अच्छा अभी कोई किसी को सजेस्ट नहीं करना कि देख लेना अभी नहीं देखना वॉच इट आफ्टर एस बी आई एग्जामिनेशन पीओ का मेंस लिख दो उसके बाद देखना ठीक है पीओ का मेंस लिख के देखेंगे इन बिटवीन वेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आर इंटरव्यू एंड जी तो जी डी पीओ के जी डी और इंटरव्यू के प्रिपरेशन के साथ देखेंगे ऐसे नहीं देखना अभी से चलो भाई कर्नाटका लेडाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 11.5 पॉइंट फाइव मेगावाट पावर प्लांट बेस्ड इन द म्युनिसपल वेस्ट बाय द म्युनिसपल वेस्ट इन बिदादी टाउन ऑफ बेंगलुरु तो बेंगलुरु में आप बेंगलुरु याद रखो सिटी नेम विल विल्जामिनेशन इन बेंगलुरु इलेवन पॉइंट इलेवन पॉइंट फाइव मेगावाट का पावर प्लांट दैट इज बेस्ड ऑन द म्युनिसपल वेस्ट कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हेल्प सेटअप किया गया 260 करोड़ रुपए का इस पर एक्सपेंस इट विल बी रेडी ऑपरेशनलाइज बाय दर टू थाउजेंड 2022 टू तक इसको रेडी कर लिया जाएगा चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट वन बैंकिंग न्यूज खत्म नहीं हुआ है कोई सोच तो नहीं रहा आठ बज गया सर कब खत्म होगा अभी खत्म नहीं हुआ बचा हुआ है सेशन काफी कुछ है चलिए बैंकिंग न्यूज पर आते हैं डिजिटल फाइनेंस सर्विस प्लेटफॉर्म वन सर पेटीएम पार्टनर्ड विथ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक याद है सूर्योदय स्मॉल किया था अभी रिसेंटली रीसेंट स्मॉल अगर क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में आ जाता है विच स्मॉल फाइनेंस बैंकेंटली इशूज दैपिटल मार्केट और बी एस सी एन एस सी देर विल बी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक क्लियर हाँ हेडक्वार्टर कहां पर है जयपुर में है तो पेटीएम पार्टनर विद सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक टू एमपा एमएसएम विद डिजिटल लोन तो डिजिटल लोन प्रोवाइड करने के लिए सूर्योदय बैंक विल प्रोवाइड द लोन अंडरस्टैंड एंड इट विल बी अवेलेबल ऑन पेटीएम प्लेटफॉर्म नाइफ यूर थिंग सर वाई पेटीएम के पेमेंट बैंक पेटीएम क्या है पेमेंट बैंक है एंड फॉर अ पेमेंट बैंक टू लैंड मनी लोन प्रोवाइड करना पेमेंट बैंक के लिए चलो आगे बढ़े तो देव टारोवाइड लोन टू मोर देन वन लैक बिजनेस एक लाख से ज्यादा बिजनेस को लोन प्रोवाइड करने का टारगेट रखा हुआ आगे बढ़ते हैं नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट चिंताला राजलू इज द चेयरपर्सन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साइंस एमओ यू टू एक्सटेंड कंसेशनल रीफाइनेंस फैसिलिटी रीफाइनेंस फैसिलिटी का मतलब क्या होता है इफ आई एम ऑफ फाइनेंसिंग द फाइनेंस फैसिलिटी दिस इज कॉल्ड रीफाइनेंस इट मीन दैंक द लोन प्रोवाइडेड टू द बैंक

ऑफिस ऑफ नाबार्ड अब याद रखना कौन से रीजन का कर्नाटका रीजन कर्नाटका रीजन ऑफिस ऑफ नाबार्ड एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साइंड एमओयू टू प्रोवाइड रीफाइनेंस फैसिलिटी टू बेनिफिशियरीज़ फॉर द वॉटर शेयर डेवलपमेंट एंड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इट एम टू प्रोवाइड फोर्टी फाइव थाउजेंड बेनिफिशरीज फ्रॉम टू सिक्सटी एफ पी दूसर ऑर्गेसन इन ट्वेंटी एट डिस्ट्रिक्ट सिंपल सा न्यूज़ बनेगा यस नवाड कर्नाटका प्लस एसबीआई कंसेशनल रीफाइनेंस फैसिलिटीज नेक्स्ट वन स्पोर्ट्स न्यूज़ पर आ गए हैं अगला न्यूज़ है स्पोर्ट्स न्यूज़ इंडियन कैप्टन विराट कोहली ऑन 2nd दिसंबर बिकेम द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 12000 ओडीआई रन्स ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर सो सचिन तेंदुलकर टुक थ्री हंड्रेड इनिंग्स टू गेट टू मेक दिस अवार्ड टू मेक दिस माइल्ड स्टोन एंड विराट कोहली डन इट इन टू फोर्टी टू इनिंग्स दो सो बयालीस इनिंग्स में इन्होंने कंप्लीट कर लिया है इज दिस कैन ऑल्सो इंपॉर्टेंट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इट कैन ऑल्सो कम इन द एग्जामिनेशन भी इंपॉर्टेंट है कि दो सो बयालीस टू फोर्टी टू इनिंग्स में इन्होंने पूरा किया है तो आपसे पूछ सकते हैं इन हाउ मेनी इनिंग्स ज कंप्लीटेड और अचीव दिस टारगेट तो बारह हजार रन दो सो बयालीस इनिंग्स में पूरा कर लिया आगे बढ़ रहे हैं कुछ क्वेश्चन बचे हुए स्टडिक जी के पांच याद है ना अभी ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बाटा बाटा के नए ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट हुए सर ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बाटा करेक्ट आंसर इज संदीप कटारिया संदीप कटारिया वाटा हेडक्वार्टर इज लुसाने स्विट्ज़रलैंड पी के मोहंती कौन है पी के मोहंती इज द हेड ऑफ कमेटी द कमेटी विच वॉज फॉर्मड फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ बिग एन बी एफ सी टू बैंक इनको कन्वर्ट करने के लिए बड़ी एनबीएफसी को बैंक में कन्वर्ट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके हेड है पी के मोहंती और भी डिफरेंट पोजिशन है वाला बताया मैंने तो आपको इसके बाद ए के दीक्षित मिस्टर ए के दीक्षित पी एम सी बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए थे एडमिन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पीएमसी बैंक नीरज धवन नीरज धवन रिस्क ऑफिसर रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक यस बैंक अच्छा मार्कोस प्राडो मार्कोस प्राडो कौन है बताएगा कोई मार्कोस प्राडो न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर शंघाई न्यू डेवलपमेंट बैंको नेाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इन इंडियाइंग सिटी किस सिटी में स्टार्ट हुआ है इंडिया का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन करेक्ट आंसर है सर पुणे पुणे में स्टार्ट हुआ इंडिया का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर थर्टीन लास्ट एमसीक्यू आफ्टर दैट विल डिस्कस व्हाट के फाइव क्वेश्चन ऑथर ऑफ बुक ऑन द मूव माई जर्नी एज अ रेंटलेस एंटरप्रनर मीन्स अनस्टॉपेबल एंटरप्रनर करेक्ट आंसर इज हरीमका ये भी हमने कल डिस्कस किया हुआ था आगे आ जाए इंपॉर्टेंट डेज पर इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन विथ डिसबिलिटी ऑब्सर्व एवरी ईयर ऑन दिसंबर थर्ड कब इसको किया जाता है इस साल का थीम था नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल सारी की सारी डिसेबिलिटीज जो होती हैं विजिबल नहीं होती हैं टू क्रिएट द अवेयरनेस फॉर द सिचुएशन ऑफ द पर्सन विद द डिसेबिलिटी इन एवरी आस्पेक्ट पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल एंड कल्चरल लाइफ में तो ये इसका एम होता है दैट पीपल विल अंडरस्टैंड दैट हाउ द डिसेबल पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम So, uh, उनको हम किस तरीके सपोर्ट कर सकते हैं मेंटल सपोर्ट कैसे दे सकते हैं चलिए फाइव स्टैटिक जीके क्वेश्चन आ जाइए स्टैटिक जीके के पांच क्वेश्चन पर फर्स्ट वन विच स्टेडियम रीनेम्ड इन द ऑनर ऑफ फॉर्मर लोकसभा स्पीकर पुर्नोए ए पुर्नो ए संगमा पुर्नोए ए संगमा जी के नाम पर कौन सा स्टेडियम है जिसको रीनेम किया गया आई विल वेट ट फॉर यूर आंसर आप लोग आंसर करेंगे उसी के बाद मैं बताऊंगा स्टडी जी के आप लोगों के आंसर आ जाएंगे ऑप्शन सी चलो मैं अंडरलाइन करता हूं ऑप्शन सी ऑप्शन डी कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्शन सी फ्यू आर सिंग ऑप्शन डी चलो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑप्शन डी दिक्की बंदी स्टेडियम इट इज सिचुएटेड इन तुरा टाउन तुरा टाउन ऑफ मेघालय दिक्की बंदी स्टेडियम तुरा टाउन मेघालय फॉर्मर स्पीकर लोक, लोकसभा स्पीकर पुर्नोय संघम के नाम पर इसको बनाया गया है बंदी को उनके नाम पर कर दिया गया इन दीज ऑफ दिच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इनमें से सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है सर विच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम

भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये एट प्रेजेंट सिचुएशन इट इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया नेक्स्ट वन विच इज द लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम इन इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है विच इज द लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम इन इंडिया नो नॉट क्रिकेट स्टेडियम आई डिडेंट एस विच इज द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम अगर क्वेश्चन होता विच इज द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम देन आंसर इज ईडन गार्डन करेक्ट है पर मैंने आपसे नहीं बोला कि विच इज पूछा है याद कि के लिए रखें इंदिरा गांधी इंदिरा इंदिरा गांधी गांधी जो है है वो पुडुचेरी में ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड ऑफ यू आर आंसरिंग ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, गांधी 14,000 का कैपेसिटी है दिस इज द आंसर नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता में है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली जेपी इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नोएडा गाइज ये सारे के सारे आपके इंडोर स्टेडियम ही हैं इसमें इंदिरा गांधी एरिना इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम इन इंडिया सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली आगे बढ़ जाए बहुत बढ़िया नेक्स्ट वन विच इज द ओल्डेस्ट स्टेडियम इन इंडिया सबसे पुराना स्टेडियम इंडिया का कौन सा है ओल्डेस्ट स्टेडियम इन इंडिया

अटल बिहारी वाजपेयी जी क्रिकेट स्टेडियम विच स्टेडियम न्यू नेम इ जल्दी से आंसर ऑप्शन बी अच्छा इकना ठीक है सो करेक्ट आंसर है आपके पास इकना क्रिकेट स्टेडियम फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है ये आपका इट इज रीनेम्ड ऑन द नेम ऑफ अरुण जेटली जी तो अरुण जेटली जी के नाम पर कर दिया गया फिरोज शाह कोटला स्टेडियम सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश दिस इज दिच इज रीड नेिहारी वाजपेयी स्टेडियम का नाम हो गया एक बता दून से सुन लीजिएगा पहले मेरी पूरी बात क्वेश्चन हो गए खत्म ध्यान से मेरी बात सुन लेट नेक्स्ट वीक वनडे टू फ्राइडे आई एम नॉट एवेलेबल मैं नहीं हूं वॉट वी विल आर वॉट वी आर गोइंग टू डू विथ टीएन

मैं एमसीक्यूज डिस्कस कर लूंगा आपके साथ एमसीक्यूज विद द डिटेल एमसीक्यूज विद द डिटेल तो बिल्कुल ये मत सोचना कि आपके न्यूज मिस हो जाएंगे अभी प्री एग्जामिनेशन इट इज अलाउड फॉर मी टू टेक लीव मैं ले सकता हूं ले, मैं थोड़ा सा चिल था दैट यू आर हैविंग योर प्री प्री एग्जामिनेशन वंस विल बी आफ्टर दैट आई विल बी अवेलेबल फॉर हंड्रेड परसेंट ऑगस्ट के बाद अब लीव पर जा रहा हूं आपने देखा होगा कि मैं लीव नहीं लेता हूँ लास्ट टाइम आई वो ऑन लीव इन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट

ठीक है चलो तो अभी मिलते हैं गाइस टेन ओ क्लॉक पर टेन ए एम मॉर्निंग फिफ्टी एम सी क्यूज फिफ्टी एम सी क्यूज आर वीकली एमसीक्यू शोस ट्वेंटी सेवन टू फोर्थ ऑफ दिसंबर का न्यूज डिस्कस करेंगे ठीक है चलो 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 भाई सो so, गाइज प्लीज लाइक द सेशन share with your friends subscribe to the channel if you are watching for the first time i need your help also to make tna the best show on youtube so i know this thing i am confident on this part without you it is not possible Chali, i will meet you now at 10 o'clock till the time keep watching all Aboard. jai 25 percent 20 20 20, 25 percent that's the number of SBAPO 2019 vacancies that were filled by all Aboard students how did we achieve such high results? More than 80% of the questions were from our live classes. Live practice of 2000 plus questions in 45 plus live sessions. Our classes of SBIPO 2019 generated close to 5 lakh plus views. This year we are raising the bars. We are taking the challenge to fill. 40% of SBIPO 2020 vacancies with our students and help them to achieve their dream banking job. Join us in this mission. Become the sore point for most of the candidates because it's very vast, yeah. And the kind of you know, uh, I mean, the, the kind of nomenclature of the schemes, also, I'm sure candidates will understand that it's very confusing. So, first of all, you have to try and remember those, you know, and then understand what the scheme is about. And, uh, you know, and for the, for the fact, matter of fact, for this exam, you have to know the details also, you know, What what the scheme entails, what are the biggest, uh, you know, uh, details about that. So you need to know that.